नमस्कार, मैं नीलेश महाराज, जय वेंकटेश जी, सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम ग्रहों के विषय में बात करेंगे। हमारे धर्म शास्त्र में बताया गया है कि 9 ग्रह होते हैं। इनका नाम क्या है? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु केतु जो है छाया ग्रह है, ये दिखाई नहीं देते। 9 ग्रह बताया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कुछ गुरु जी मेरे कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन सा ग्रह नीच का है, तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, लिख करके रख सकते हैं अपने अध्ययन के लिए। सबसे पहले सूर्य ग्रह, यदि सूर्य मेष राशि में बैठ जाए तो उच्च का माना जाता है, यदि वही सूर्य तुला राशि में बैठ जाए तो नीच का हो जाता है। ऐसे चंद्रमा यदि वृषभ राशि में बैठ जाए तो उच्च का माना जाता है, और यदि वही चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठ जाए तो नीच का हो जाता है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में बैठ जाए तो नीच का हो जाता है। बुध कन्या में उच्च का होता है और मीन का नीच हो जाता है। गुरु कर्क राशि में उच्च का हो जाता है और मकर राशि में यदि बैठ जाए तो ही नीच का हो जाता है। शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का हो जाता है। शनि तुला में उच्च का होता है और मेष राशि में बैठ जाए तो नीच का हो जाता है। राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है और धनु राशि में नीच का हो जाता है। केतु धनु राशि में उच्च का हो जाता है और मिथुन राशि में नीच का हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इनका स्व राशि क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सूर्य का स्व राशि सिंह स्व राशि है, चंद्रमा का कर्क स्व राशि है, मंगल का मेष और वृश्चिक स्व राशि है, बुध का मिथुन और कन्या स्व राशि है, गुरु का धनु और मीन स्व राशि है, शुक्र का वृषभ और तुला स्व राशि है, शनि का मकर और कुंभ स्व राशि है, और राहु केतु का कोई स्व राशि होता नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। जय वेंकटेश।